वैसे एक बात बताओ, हाँ तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ये आ रही थी, मैंने बोला ये साथ कौन है, बोलता है बेबी हमने तुम्हारा बेबी। हाउ ओल्ड आर यू ईशा? 21 And how old is Afwan? Anfal. Anfal. Anfal, 2 years old. Two? हाँ. तो 2020 में. 2020 में, कोविड वाले टाइम में. हाँ, कोविड वाले टाइम में किसी को पता ही नहीं चला घर में बैठे बैठे. लॉकडाउन में हाँ बच्चे बहुत बने. हाँ. मुझे एक बात बताओ, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है, बहुत सख्त चल रही है. क्यों? बहुत लाइफ है, जिंदगी है, जिंदगी में मसले आते हैं और फिर हाँ. जिंदगी का नाम ही मुश्किल है. हाँ बिल्कुल. तो आप बताओ, ये बेबी आप अभी स्क्रीन पर लाई है, पहले हाँ, आपने किसी को नहीं बताया था? पहले जो शादीशुदा है ये भी किसी को नहीं बताता. हाँ. ये नहीं पता था, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी स्टोरी है, अगर मैं सुनाने बैठूं तो वो तो शायद भरपूर 45 मिनट्स यहाँ पे दरिया भर जाएगा. क्यों? मतलब बहुत बहुत मुश्किल और बहुत बहुत ही मुश्किलों में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी. जब मेरा जो है निकाह हुआ था 2019 में, हाँ. तो बहुत मुश्किलों में, बहुत मसलों में था, क्योंकि मेरे घर में शायद कोई बड़ा नहीं है, कोई साथ था नहीं, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने खैर निकाह किया. उसके बाद फिर ये हो गई, तो मुझे हमेशा से छुपाने को बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा, इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी किसी को. तो ये कौन है जो ये बोलता है कि मैं, ये शहर जी जी जिससे मैंने निकाह किया था. और शहर वो होता है जो एक बीवी की ढाल होता है, ढाल होता है, जिसको कहते हैं कि मिजाजी खुदा है. हाँ, क्योंकि दुनिया में मुझे जिससे मतलब अल्लाह के बाद मुझे अगर डर लगता है ना, तो सिर्फ मुझे उस इंसान से लगता है. अगर मैं आज यहाँ भी बैठी हूँ तो मैं इतनी हिम्मत से बैठी हूँ कि मुझे नहीं पता कि कल को मेरे साथ क्या करेगा, वो मुझे नहीं पता. मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि तुम दुनिया के सामने आओ, तुम बताओ कि तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया है. मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं उस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहती. मैं सोचती हूँ ना, मैं डर जाती हूँ, मुझे नींद अभी जब आता है ना कि ये छिन जाएगी मेरे पास से. और अभी सबसे ज़्यादा ज़्यादा मसला मुझे मेरी ज़िंदगी में चल रहा है कि इसकी वजह से हूँ मैं अगर हूँ अब जो मेरी ज़िंदगी है, और अगर यही मेरे पास से चली जाएगी तो मैं शायद मर जाऊँगी अगले दिन. और उसने इसी बात को कमज़ोरी बनाया हुआ है कि ये छीननी है बस. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिल में बॉटल्ड अप है, और ऐसा होता है जब इंसान बहुत रखता है ना, वो थोड़ा सा भी बंदा यू नो. हाँ, जो बात है. एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मथीरा. आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the guess. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे. सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.